हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, माइक्रो फ्रेंड एंड फो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और वो किस प्रकार हमारे मित्र भी हैं और किस प्रकार हमारे शत्रु भी हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ में है, यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैनॉट सी। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी कैनॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो यहां महत्वपूर्ण बात यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली देख नहीं पाते। देखा ही होगा, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड्स गेट स्पॉइल्ड, ब्रेड खराब हो जाती है एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेस व्हाइट पैचेज, और उसकी सरफेस पे ग्रेस व्हाइट पैचेज आ जाते हैं। उन पैचेस को हम अगर ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइड ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर्स देख मिलेंगे हमें। ये एक्चुअली क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उसका एग्जाम्पल है ब्रेड खराब होना। इसी तरीके से पिकल्स वगैरह भी जब खराब होती है घर में और भी कुछ सब्जियां खराब होती है तो उनके ऊपर कुछ मोल्ड फफूंद वगैरह लग जाती है, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कोई चीज सड़ रही होती है उसमें से बदबू आती है, सब्जियां पुरानी गली सड़ी गली सब्जियां होती है उसमें से बदबू आती है, स्मेल्स आती है, तो वो किसके कारण आती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही आती है। इसलिए हम अपने जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनको रेफ्रिजरेटर्स में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आए। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है इसे हम ऐसे समझेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए दो एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.1 2.2। ये दोनों ही एक्टिविटी इससे रिलेटेड है कि आप कुछ मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट कीजिए फ्रॉम ए बेल्ट खेत से और उसको बीकर में डालने कर एड वाटर, उसमें पानी मिलाइए और उसके बाद में उसके जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको सेटल डाउन होने दीजिए। फिर एक ड्रॉप लीजिए वाटर की उसमें से और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना, आप क्या देखोगे यही ऑब्जर्व करना है। और सेकंड में वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेना है फ्रॉम पॉन्ड्स और उसको ग्लास साइड के ऊपर फैला देना है, स्प्रेड कर देना है और उसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोयल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। वाटर और सोयल में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, दोज नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, उसमें से सबके सभी माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। कौन आएंगे माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंदर, दिस माइक्रोज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन, वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि वो हमें दिखाई नहीं देते। सम ऑफ दिस सच इज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन नॉट बी सीन विद सॉरी कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के में हम देख पाते हैं, अदरवाइज दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। देन वेरी सिंपल, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद सच ए ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड वी कैन नॉट सी विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोर ग्रुप्स में बांटा है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। दीज फोर ग्रुप्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। इनके डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, ये फिगर्स हम देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। ये है बैक्टीरिया, दीज आर बैक्टीरिया। ये रोड शेप भी होते हैं, राउंड शेप भी होते हैं, एंड बैक्टीरिया इज फाउंड एवरीवेयर, एयर, वाटर, एवरीवेयर बैक्टीरिया इज फाउंड। एल्गीज, एल्गीज क्लेमाइडोमोनस एंड स्पायरो। दीज एल्गीज आर फाउंड इन मेरिन वाटर एंड फ्रेश वाटर। स्पायरो गैरा तंतुओं के जैसे होते हैं, और ये एल्गीज सी फूड में भी काम आते हैं, सी फूड एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भोजन का काम करते हैं। एंड दीज प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोआ आर डिजीज कैरिंग, कुछ प्रोटोजोआ से डिजीज होती है, और कुछ एक्वाटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। दीज आर अमीबा एंड दिस इज पैरामीशियम। एंड नेक्स्ट फंजाई, दैट इज ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड ब्रेड के ऊपर उगती है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, दीज एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाइज। एंड अदर मेन ग्रुप इज वायरस, दिस स्ट्रक्चर इज वायरस। ओके, ये इसके डायग्राम्स थे, अब हम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गीज। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिफरेंट, अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि जो दूसरे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये फ्रीली एनवायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है, बट वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ इन फ्री। They can reproduce only inside the cell. They can reproduce only inside the cell of host organism. जो host organism है, यहाँ बात करते हैं host organism क्या है? Host organism वो है जिसके अंदर virus attack करता है और वहाँ अपना घर बनाता है, उसको बोलते हैं host organism। वहाँ पर वो उसकी cells के अंदर जाएगा और उस cells में वो उस cell को use लेते हुए वो वहां पर अपना रिप्रोडक्शन करेगा और बहुत सारे नए वायरस का निर्माण करेगा। और वो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? वो होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट और एनिमल। वायरस का फिगर तो हमने देख लिया है। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इंफ्लुएंजा एंड कफ, कोल्ड, इंफ्लुएंजा एंड कफ, ये वायरस से होने वाले डिजीज हैं। और सीरियस डिजीज जैसे पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है, पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये सीरियस डिजीज है। बाकी कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ तो नॉर्मली कोल्ड में जब होता ही है। अब कुछ और डिजीज हैं जैसे डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से। डायसेंट्री एंड मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस ये होता है बैक्टीरिया से। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमें ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सा डिजीज होता है। ये कुछ फ्यू है, और भी बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, सारा या नहीं है। लेट्स वी स्टडी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली मींस जो फ्रेंडली होते हैं, जो यूजफुल होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, वो कौन से होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज लिया जाता है वेरियस पर्पस में, बहुत सारे पर्पस उसके, बहुत सारे कामों में। तो क्या क्या कहाँ यूज लेते हैं इसको? कर्ड प्रिपरेशन में, ब्रेड एंड केक, कर्ड, ब्रेड एंड केक बनाने में, प्रिपरेशन में इनका यूज होता है। और इनका प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में भी यूज होता है, एल्कोहल भी बनाए जाते हैं। कर्ड तो नॉर्मली हम जानते हैं, घरों में सबसे बिल्कुल परिचित हैं, कर्ड कैसे बनाते हैं। कर्ड के लिए क्या करते हैं, मिल्क में थोड़ा कर्ड मिलाया जाता है और फिर अगले दिन सुबह सारा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो रखा होता है, कर्ड में। यहाँ हम इसके बारे में और एग्जांपल पढ़ेंगे। यहाँ देर आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, तो एक और इसका यूज है,
क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को साफ करते हैं। साफ एनवायरमेंट को कैसे साफ करेंगे? ऑब्वियसली वो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, उन ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे वेजिटेबल पीस, रिमेंस ऑफ एनिमल्स एंड फेसेस, इनको क्या करते हैं वो, इनको वो ब्रोकन डाउन करते हैं, मतलब उनको तोड़ते हैं, इसमें तोड़ते हैं इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस, हार्मलेस जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले और यूजेबल यानी वापस यूज होने वाले सब्सटेंस में बैक्टीरिया बदल देते हैं। तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं जो पड़े रहते हैं एनवायरमेंट में, उनको बैक्टीरिया क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोजिशन करके उनको ह्यूमस बना देते हैं उनका, और बिल्कुल हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उनको वापस यूज लिया जा सकता है। वो सोयल में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और प्लांट्स वापस उनसे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ठीक है, अब जैसे प्लांट्स न्यूट्रिएंट ले लेता है, प्लांट्स में ह्यूमस बनाते हैं, तो यहाँ हम ये भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में इनका बड़ा रोल है। और एग्रीकल्चर में इनका रोल है कि ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और ये सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर की, वो नाइट्रोजन एयर की नाइट्रोजन को सीधे प्लांट नहीं ले सकते, उसको क्या करना पड़ता है, उसको सोयल में फिक्स करना पड़ता है, वो फिक्सेशन का कार्य सम बैक्टीरियाज। हमारा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड कैसे बनाया जाता है? नॉर्मली हम घर में देखते ही हैं कर्ड बनना, तो बिल्कुल हम जानते हैं कैसे बनता है। कर्ड में होता क्या है? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, वो एक बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है कर्ड में, और वो क्या करता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का काम करता है, वो दही बनाने का काम करता है। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाइज होता है, मल्टीप्लाइज मतलब अपनी संख्या बढ़ाता है, ये मल्टीप्लाइज होता है मिल्क में एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और उसको वापस कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। फिर बैक्टीरिया कर्ड बनाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया किस काम आता है, इन द मेकिंग ऑफ चीज बनाने में, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम। हम जानते हैं कि रवा, इडली एंड भटूरा का इंग्रेडिएंट क्या है, कर्ड। कर्ड से ही ये बनता है। और बैक्टीरिया और यीस्ट हेल्पफुल होते हैं द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बटर। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ एक्टिविटी देखते हैं 2.3। एक्टिविटी 2.3 इसमें क्या बताया गया है, इस एक्टिविटी में यीस्ट पाउडर लेकर ब्रेड बनाना बताया गया है। किस प्रकार से बेकरी में यीस्ट पाउडर काम आता है, यीस्ट क्या है, यीस्ट खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो अपना रिप्रोडक्शन भी करता है और उसको कन्वर्ट करता है, ब्रेड बना देता है आटे में दे। अब आप देखते हैं, एक हाफ किलोग्राम फ्लोर लेना है, आटा लेना है, उसमें शुगर ऐड करनी है और वार्म वाटर ऐड करना है, फिर इसमें ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर को मिलाना है और उसको सॉफ्ट डफ बनाना है, फिर उसको 2 hours के लिए रख देना है, ऑब्जर्व करना है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, फिगर में हम देख ही रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन ये करते होते हैं क्योंकि जो उसमें पाउडर है वो मिलाया हुआ मैदा, वो मैदा राइज्ड हो गया है, वो फूल गया ऊपर से। तो ये क्यों फूला, क्या रीजन है, और ये फूला हुआ ब्रेड के जैसे, ब्रेड जैसे फूली हुई होती है ना, वैसे ही हो गई। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे यीस्ट रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, और रिप्रोड्यूस करके वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, वो गैस क्या करती है, बबल्स फॉर्म में निकलती है, बबल्स के रूप में, बुलबुलों के रूप में, ठीक है ना, वो और फिल द डफ, डफ को पूरा भर देती है, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है, उसको फुला देती है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट का बहुत यूज होता है फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज क्या है, मतलब व्यापारिक यूज, बिजनेस वाला।
तो वो क्या यूज है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ये अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर बोलते हैं, इनके प्रोडक्शन में इनका बहुत यूज होता है। और यीस्ट का जो यूज है मेनली हम जानते हैं, वैसे तो बेकरी में होता है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल एंड वाइन का प्रोडक्शन में भी यीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दिस पर्पज, इसलिए मतलब अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए यीस्ट इज ग्रोवन ऑन नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर में यीस्ट को ग्रो कराया जाता है। नेचुरल शुगर क्या होती है? जो बैरली, वीट, राइस से या फिर क्रस्ट फ्रूट जूस से मिलती है, उस नेचुरल शुगर में यीस्ट डाला जाता है और वो वहां ग्रो करता है, वो वहां ग्रो करके अल्कोहल बनाता है। ठीक है, अब एक्टिविटी है इसको समझने के लिए आगे और कि एक्टिविटी 2.4 में क्या है कि 500 ml बीकर फिल करना है विद वाटर, 2.3 वाटर से, एंड डिजोल्व करना है इसमें 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर, शुगर मिला देनी है, यानी वाटर है, शुगर है, एंड एड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, और हाफ स्पून उसमें क्या डालना, यीस्ट का पाउडर। फिर उसको वार्म प्लेस पर रख देना है 4-5 घंटे तक, 4 and 5 hours, उसमें एक स्मेल आएगी। एक स्मेल किस, वो स्मेल किसकी होगी? ऑब्वियसली ये स्मेल होगी द स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल की स्मेल होगी। वो एल्कोहल की स्मेल, एल्कोहल कहां से आया? तो यीस्ट ने क्या किया कि शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट ने शुगर को जो वाटर में शुगर मिली हुई थी, उस शुगर को कन्वर्ट कर दिया एल्कोहल में। देन दिस प्रोसेस इज कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन फर्मेंटेशन। देन यहां से अच्छी तरह जानना है, ये इंपॉर्टेंट ही है कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। फर्मेंटेशन में शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है बाय यीस्ट के द्वारा, और इसकी सबसे पहले इसकी जो डिस्कवर की गई, वो डिस्कवर किया था लुईस पाश्चर ने 1857 में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेडिकल यूज है, मेडिसिनल, वो क्या है? मेडिसिंस बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से बहुत दवाएं बनाई जाती है, मेडिसिंस जो यूज होती है, जिनको कहते हैं एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक जो टेबलेट्स हैं वो बनाई जाती है बैक्टीरिया के द्वारा, और एंटीबायोटिक कैप्सूल, इंजेक्शन ये बनाई जाती है। सच इज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का नाम तो पता ही होगा, सुना होगा, पेनिसिलिन भी बैक्टीरिया से बनाई जाती है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन मेडिसिन का सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेडिसिन है वो क्या करती है? वो किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देती है या फिर उसको रोक देती है। इसीलिए इस मेडिसिन को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ नाम ध्यान में रख लेना। यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में परिचय दिया गया है 1929 में, जो वर्क कर रहे थे, वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर ये वर्क कर रहे थे, और सडनली अचानक से उन्होंने पाया, ही फाउंड दैट स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट प्लेट की पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें से एक में उन्होंने लिटिल ग्रीन मोल्ड के स्पॉट्स को देखा। ये ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो प्रेजेंस थी मोल्ड की वो प्रिवेंटेड की गई, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट की गई। इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। इसके अलावा उसने जो मोल्ड थी, उस मोल्ड ने काफी बैक्टीरिया को भी किल कर दिया, मार दिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से पेनिसिलिन की खोज की गई और पेनिसिलिन बनाई गई। तो पेनिसिलिन बनाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस तरीके से पेनिसिलिन बनाकर एक एंटीबायोटिक।
कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है. दीज एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू कर्व ए वेराइटी ऑफ डिजीज. ये जो एंटीबायोटिक्स है ये मैन्युफैक्चर की जाती है ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से. एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होती है, हर मेडिसिन के एंटीबायोटिक की एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है एंड आर यूज टू कर्व ए वेराइटी ऑफ डिजीज, और अलग अलग डिजीज की वेराइटी में इसको यूज लिया जाता है. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लिविंग स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. तो इनको लिविंग स्टॉक्स एंड पोल्ट्री की में भी यूज किया जाता है और चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो हो रहा होता है उसे भी चेक करने में यूज किया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और इनका बहुत सारी प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में भी यूज लिया जाता है एंटीबायोटिक्स का. यह एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं. इट इज एन इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली इन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए. ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. डॉक्टर के द्वारा जो कोर्स दिया गया है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको पूरा कम्प्लीट करें. इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. अगर तुम एंटीबायोटिक्स को जब जरूरत नहीं है तभी भी लोगे, है ना, या फिर उसकी कोई रॉन्ग डोज लोगे तो वो आगे इफेक्टिव नहीं रहेगी फ्यूचर में जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक शरीर की इम्यूनिटी को भी वीक करता है, और वो ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से जो डिजीज है वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं. अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को नहीं लेनी चाहिए. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. और अननेसेसरी जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको भी वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू. कोल्ड एंड फ्लू में वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोल्ड और फ्लू किससे होता है, वायरस से. तो वायरस वाले जो डिजीज है उसमें एंटीबायोटिक यूज नहीं आती, वो इफेक्टिव नहीं होती है. सिर्फ दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनमें ये इफेक्टिव होती है. अब वायरस से एंटीबायोटिक नहीं यूज होती है तो फिर वायरस से कैसे बचा जाए. वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बनाई जाती है. वायरस के डिजीज जैसे पोलियो हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, उन सब के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीन बनाई गई है जो दी जाती है. तो अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में. व्हाट इज द वैक्सीन. वैक्सीन की एक थ्योरी है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे. व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब वो डिजीज पैदा करने वाला, डिजीज लाने वाला जो माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. तो बॉडी, हमारे शरीर की जो बॉडी है वो खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है बाहर से जो डिजीज वाला जो माइक्रोब्स आया है उससे फाइट करने के लिए. द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स, और फिर जो उसको फाइट करने के बाद में बॉडी उसको हमेशा ध्यान में रखती है कि उस माइक्रोब से लड़ने के लिए क्या टेक्निक ली गई, हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स. अब फ्यूचर में जब भी वो वापिस से एंटर करेगा तब जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बन चुकी है वो उसको तुरंत ही किल कर देगा. इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द हेल्थी बॉडी. अब ये वो टेक्निक्स है जो इस थ्योरी से ली गई है कि एंटीबॉडी बन जाती है और एंटीबॉडी हमेशा बॉडी में रिमेम्बर रहती है कि उसने किस प्रकार से डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स को किल किया था. तो इसी थ्योरी को लेते हुए क्या करते हैं कि जो वीकेंड माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स बहुत ही लेस इफेक्टिव है, उनको क्या करते हैं कि हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. मतलब उनको इंजेक्शन के द्वारा या फिर ड्रॉप्स के द्वारा मुंह में पिलाते हैं या फिर इंजेक्शन देके उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं.
डाले जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इनवेडिंग बैक्टीरिया। तो जो जो बैक्टीरिया डाले गए हैं उनके उनके अगेंस्ट बॉडी क्या करती है, फाइट करती है और उसको किल करती है बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज बनाते हुए। फिर क्या होता है, एक बार एंटीबॉडी बन गई तो वो एंटीबॉडी हमेशा रिमेन रहती है, मतलब हमेशा शरीर में रहती है। तो एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हम सुरक्षित हो जाते हैं फ्रॉम द डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स। This is how a vaccine works. तो इस प्रकार से वैक्सीन वर्क करती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है, वहाँ एप्लीकेशन बनता है कि how vaccine works, how vaccine, कैसे वैक्सीन कार्य करती है। And वैक्सीन का सीधा सा फॉर्मूला है, वैक्सीन कैसे कार्य करती है। वैक्सीन सिर्फ इस थ्योरी को लेकर चलती है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस की बात करते हैं कि वायरस बढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे वायरस जब हमारे बॉडी में आ जाता है तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है। एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में अपने आप बनती है, और उसके बाद में जब हम ठीक हो जाते हैं, हम हेल्दी हो जाते हैं, तब ये एंटीबॉडी हमेशा फ्यूचर के लिए ये रिमेम्बर रखती है कि हमने कैसे इस वायरस को हराया था, डिफीट किया था। अब अगेंस्ट दोबारा जब भी कभी वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो फिर क्या होता है कि वो जो एंटीबॉडी है उसको तुरंत ही किल कर देगी। अब इसी थ्योरी को रखते हुए क्या किया जाता है कि जो छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, तो वैक्सीन देने से क्या होता है, वो वैक्सीन है क्या, एक्चुअली वैक्सीन है वीकेंड माइक्रोब्स, वीकेंड माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज नहीं पैदा कर सकते, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है वो शरीर में रोग पैदा कर सकते। लेकिन माइक्रोब्स तो है, वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, और फिर वो एंटीबॉडी हमेशा के लिए रहेगी और हम उस वायरस से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो ये कुछ डिजीज थी जिसमें हम नाम लिया हमने, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सभी वैक्सीनेशन से रोकी गई, ठीक है ना। यहाँ ये साइंटिस्ट है एडवर्ड जीनर, इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन क्या खोज की थी, डिस्कवर की थी 1798 में। इन योर चाइल्डहुड, बचपन में तुमने देखा होगा तुम्हें इंजेक्शन लगे थे, बिल्कुल प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेवरल डिजीज, ये वैक्सीन ही थी, बारे में अभी जिक्र कर चुके हम। तो फिर ये वैक्सीनेशन कब कराना चाहिए, इसकी उम्र होती है छोटे बच्चों को, देन इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज, सभी चिल्ड्रन को ये वैक्सीनेशंस करके प्रोटेक्शन करना वेरी नेसेसरी। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, आप जा सकते हो, टीवी न्यूज़पेपर में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पोलियो के लिए एक मूवमेंट चला है जिसको बोलते हैं द पोल्स पोलियो प्रोग्राम, इसमें पोलियो की ड्रॉप्स गिवन की जाती है बच्चों को। ये पोलियो ड्रॉप्स क्या है एक्चुअली, ये पोलियो ड्रॉप्स एक्चुअली वैक्सीन है। और वर्ल्ड वाइड कैंपेन होता है पूरी दुनिया में अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स की, इट फाइनली लीड टू रिडक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स को हटा दिया गया है। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. आजकल vaccines का बहुत ज्यादा production होता है। अब अगला जो इसका कार्य है, increasing soil fertility. Soil fertility को कैसे बढ़ाता है bacteria? तो some bacteria, कुछ bacteria क्या करते हैं कि nitrogen fixation का काम करते हैं, जो पहले भी मैंने बताया nitrogen fixation. ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है, तो एटमॉस्फेयर से वो कहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, सोयल में। एटमॉस्फेयर टू एंट्री सोयल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है, तो नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है पौधे के लिए, क्या है, न्यूट्रिएंट है, और न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन अच्छे से मिलेगा तो पौधा अच्छा ग्रो करेगा, है ना। नाइट्रोजन से फर्टिलिटी बढ़ती है। इस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर,
इन माइक्रोब्स को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका नाम है साइनोबैक्टीरियम, और साइनोबैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगला है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को किस प्रकार से क्लीन किया जाता है, तो ये पहले भी आपने बताया कि जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, है ना, गार्डन में हमारे नियर बाय हाउसेस यहाँ होते हैं, तो इन वेस्ट को क्या करते हैं, ये डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज मतलब उनके उन्हें छोटे छोटे सूक्ष्म बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में बदल देते हैं और सोइल में मिक्स कर देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस बनाने के लिए भी क्या करना कि एक गड्ढा खोद कर दे पुट देम इन ए पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, उसमें सारे ये वेस्ट मटेरियल्स उसमें डाल दें। After some time, it decomposed. वो decompose हो जाएंगे and got converted to manure. वो खाद में बदल जाएंगे, यानी manure में बदल जाएंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से वो environment के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और environment को cleaning का काम भी करते हैं। इसके लिए activity भी है। Activity 2.5, take two pots and fill each pot half the soil. दो pots लेने और सबको each pot half the soil. मार्क ए मार्क बी, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। पॉट ए में तो क्या डालना है, प्लांट वेस्ट एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोतल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। पॉट बी में पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोतल्स एंड टूटी हुई प्लास्टिक के खिलौने टॉयज। पुट द पॉट ए साइड, उसको इस तरफ रखो और ऑब्जर्व करना है 2-4 हफ्ते तक, वीक्स तक। क्या ऑब्जर्वेशन क्या होगा ए और बी में? ए में तो क्या डाला गया है, ए में सिर्फ प्लांट वेस्ट है, बी में क्या, बी में प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, तो फिर डिकम्पोजिशन किसका होगा? ऑब्वियसली हम 3-4 हफ्तों के बाद देखेंगे कि जो ए पॉट था उसमें डिकम्पोजिशन हुआ, प्लास्टिक्स का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां हम इसी को हम देखते हैं। You will find that plant waste in pot A has been decomposed. Plant A में जो डाला गया था ना, वो सारा क्या हो गया? Decomposed. How did this happen? कैसे हुआ? The plant waste has been converted into manure. Plant waste थी, उसको किस में convert कर दिया गया? Manure में. So यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन प्रोसेस द्वारा मैनर का निर्माण करते हैं, खाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। The nutrients released in the process can be used the plant again. तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो decomposition के द्वारा जो waste material है, waste plant waste है, उसको छोटे-छोटे small जो particles है, फिर उसमें at least last में nutrients में सीधा release कर दिया जाता है और वो किसमें mix होते हैं, soil में, और soil में mix होने के बाद में plant उसको वापस रीयूज कर सकते हैं। Did you notice that in pot B, polythene bag, empty glass, bottle, broken toy parts did not undergo any such change? उसमें कोई changes नहीं होते हैं, तो वो plastics के बने हैं। Microbes could not act them. Microbes उनके ऊपर कार्य नहीं करते हैं and convert them into manure. Manure नहीं बनाते हैं। फिर आगे, you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals in the ground. देखा ही होगा तुमने, dead organic matter से plants की पत्तियां वगैरह सड़ रही होती है, आपने कभी देखा ही होगा। Animals भी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं मरे हुए, वो भी पड़े हुए होते हैं, तो कुछ दिनों के बाद में वो disappear हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? सीधी सी बात है कि जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं। Decomposed dead organic waste of plants and animal, और उसको क्या कर देते हैं, converting them into simple substance, उनको simple substance में वापस से convert कर देते हैं। और ये जो simple substance है वो क्या होते हैं, again used by other plants and animals, दूसरे plants और animals के द्वारा again used कर लिए जाते हैं। इस प्रकार microorganism can be used to degrade the harmful and smelling substance and thereby clean up the environment. So, इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एनवायरमेंट को क्लीन करने में वेरी एसेंशियल रोल डिस्प्ले करता है। ये तो बात हो गई उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हमारे लिए फ्रेंड्स हो गए, तो इसके बारे में एक बार ध्यान में रखें कैसे कमर्शियली भी यूज होता है, यीस्ट से एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है ना, और एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिन बनाई जाती है, पेनिसिलिन आदि मेडिसिन बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, इस प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है। अब हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल जो नुकसान देते हैं, हार्मफुल है डिजीज बनाएंगे, ज्यादातर डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स एंड ह्यूमंस दोनों में डिजीज पैदा करते हैं, क्या कहते हैं पैथोजेंस। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं फूड को, क्लोथ को एंड लेदर को। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी, वो हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। सबसे पहला डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम देखते हैं। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी, पैथोजेंस नाम दिया है उनको जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं पैथोजेंस कहते हैं। तो एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, डेथ हवा जिससे हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट, के द्वारा वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एंड दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इंफेक्टेड पर्सन कैरीड बाय एन एनिमल, और किसी इंफेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी हम उससे इंफेक्टेड हो जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इंफेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। उन डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं जो डिजीज कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है, कॉन्टेक्ट में आने से वो थ्रू एयर वाटर एंड फूड इससे भी फैलती है, हवा से फैलती है, पानी से फैलती है, भोजन से फैलती है या फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज कैसा एग्जाम्पल है, कॉलेरो, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये इसके एग्जाम्पल है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड जब हमें सामान्य जुकाम हो जाता है तब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो छींकने से क्या होता है, स्नीजिंग से क्या होता है, स्नीजिंग से हमारे नाक से बहुत छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर, और उनमें क्या होते हैं कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस, उसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में वायरस होते हैं, तो वो वायरस हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, अब पास में खड़ा हेल्दी पर्सन उसमें वो वायरस एंटर कर जाएगा जब वो ब्रीथिंग करेगा या कॉल उससे वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये ध्यान में रखना कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, वो डिजीज जो फैलती है थ्रू एयर वाटर फूड एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट से, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। आगे हम बात करते हैं दीज आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉलिंग माइक्रोब, कुछ इंसेक्ट होते हैं कीड़े और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इन डिजीज वाले माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कॉमनली हम जानते हैं हाउस फ्लाई मक्खी इज वन सच कैरियर, ऐसा कैरियर द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, फ्लाई है वो गार्बेज के ऊपर बैठ जाती है, और एनिमल एक्सक्रेटरा के ऊपर बैठ जाती है जो एनिमल्स के द्वारा शरीर से निकाले गए पदार्थ होते हैं उनके ऊपर। पैथोजेंस के बारे में भी बताया, पैथोजेंस क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज बनाते हैं, डिजीज लेकर कॉज होते हैं वो उनको बोलते हैं पैथोजेंस। तो जो पैथोजेंस है वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उनकी बॉडी पर
And when these flies sit on an uncovered food, और जब ये मक्खी किसी uncovered food पर बैठती है, तो जो pathogens हैं, वो pathogens उस पर transfer हो जाते हैं उस food पर. उस food को हम खाते हैं, whenever we eat the contaminated food, उस प्रदूषित खाने को हम खाते हैं, is likely to get sick or same. So it is advisable to always keep food covered. इसलिए हमेशा भोजन को कैसे रखना चाहिए, फूड को कवर्ड, ढका हुआ रखना चाहिए, जिससे मक्खी नहीं बैठे. Avoid consuming uncovered item of food. Uncovered item खाने के स्ट्रीट पर वगैरह कहीं मार्केट्स में देखा होगा, ऐसे फूड को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पर बहुत सारी हाउस फ्लाई मक्खियां घूमती रहती है. Another example of carrier is a female Anopheles mosquito. दूसरा example है female Anopheles mosquito. मच्छर है, तो female Anopheles नाम है उसका. और वो क्या मलेरिया नाम तो सुना ही होगा, ये मलेरिया इसी के कारण होता है क्योंकि वो एक microbes carry करता है, तो carries the parasites of malaria जिसका नाम है plasmodium. ये plasmodium को carry करता है ये फीमेल एनाफिलिस मच्छर. अब दूसरा एक और मॉस्किटो है जिसका नाम फीमेल एडीज मॉस्किटो. ये एडीज मॉस्किटो किसका कैरियर है, कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू वायरस का कैरियर है. तो इस प्रकार मलेरिया और डेंगू ये दोनों मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है ना. और हाउस फ्लाई भी काफी मैनी डिजीज को कैरी करने में बहुत ही रोल करती है. जो फिगर है ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का है. ऑल मॉस्किटो ब्रीड, अब ये जो मॉस्किटोज है मच्छर है, ये ब्रीड करते हैं ब्रीड इन वाटर, पानी में वो प्रजनन करते हैं, पानी में फैलते हैं. हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो इसलिए किस पानी को हमेशा कहीं पर भी कलेक्ट नहीं किए वो रखना चाहिए, क्योंकि पानी कलेक्ट होगा वहां पे मॉस्किटो आएगा, वहां पे एग्स देगा, उसमें लार्वा बनेंगे और फिर वो नया मॉस्किटो बनेगा. तो वो जो पानी है वो कहाँ कलेक्ट रहता है, ज्यादातर तो वो पानी कूलर्स में, टायर में, फ्लोर पॉट, यहाँ वहां कनेक्ट रहता है, इसलिए वहां उस वाटर को कनेक्ट तो नहीं रखना देना. बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन रखें और उनको ड्राई रखें ताकि वहां पे मॉस्किटो नहीं आ सके, वहां ब्रीडिंग नहीं कर सकते, प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. Malaria को के फैलने को रोकने के लिए कुछ measures किए. अब यह table है some common human disease caused by microorganism. अब मनुष्यों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी diseases होती है और उनके लिए कौन कौन से microorganism हैं, कैसे वो फैलते हैं और उनके preventive मेजर्स क्या है, उसको वन बाय वन थोड़ा देख लेते हैं. ह्यूमन डिजीज कुछ नाम है, जैसे फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस. ये ट्यूबरकुलोसिस है वो फैलता है बैक्टीरिया से द्वारा, और बैक्टीरिया से फैलता है और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब वो किस मोड से, किस तरीके से फैलता है, तो वो एयर, हवा के द्वारा फैलता है ट्यूबरकुलोसिस. और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, प्रिवेंटिव मेजर है कीप द पेशेंट टू कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को पूरी तरीके से अलग रखो रोगी को. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, और दूसरों से उसको दूर रखा जाए. और वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, सुटेबल एज पर वैक्सीनेशन दी जाए. ये सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये इन ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो के लिए है. एंड मीजल्स किससे फैलता है, वायरस से, और ट्रांसमिशन मोड एयर. चिकन पॉक्स वायरस से, एयर एंड कॉन्टैक्ट, एंड पोलियो वायरस से, एयर एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है. तो वायरस से होने वाले डिजीज हो गए मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, जबकि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से. इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले दो और डिजीज है, कॉलेरा एंड टाइफाइड. कॉलेरा फैलता है वाटर से, पानी से, और टाइफाइड भी फैलता है वाटर से, ठीक है ना. इसको, इसका प्रिवेंटिव
मेजर्स है कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो, अपनी साफ स्वच्छता को मेंटेन रखो और गुड सैनिटरी हैबिट्स रखो, अच्छा सा प्रॉपरली कुक्ड फूड कंज्यूम करो, खाओ, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पियो एंड वैक्सीनेशन करो, क्योंकि ये वाटर से होता है। अगला है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है एंड इसमें इसके लिए भी ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और मलेरिया प्रोटोजोआ से और वो मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और प्रोटोजोआ का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। एंड यूज मॉस्किटो नेट को यूज करो, है ना, रिपेलेंट्स को स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करें, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के ब्रीडिंग को कंट्रोल करें, है ना, और वाटर को कलेक्ट नहीं होने दे अपने चारों। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्ट ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब इस टेबल में हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। इन द अदर एनिमल्स फॉर एग्जांपल, अब पढ़ते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, एनिमल्स में डिजीज पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Then several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in other animals. दूसरे animals में भी कुछ microorganisms होते हैं वो disease बनाते हैं। For example, anthrax. Anthrax एक dangerous human and cattle disease caused by bacteria. Bacteria से होता है anthrax रोग। दूसरा है foot and mouth disease of cattle. Foot and mouth disease of cattle, ये वायरस से होता है। तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से है एंड फूट एंड माउथ डिजीज ये वायरस से। अगला है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज बनाते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटेटो, सुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, डिजीज बना पैदा करते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, डिजीज के कारण क्या होता है, क्रॉप्स की यील्ड कम हो जाती है, रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। वो कौन कौन से है डिजीज कॉजिंग माइक्रो, ये टेबल में देखते हैं, ये रही वो टेबल। सम कॉमन प्लांट डिजीज होते हैं, तो प्लांट डिजीज है, इस टेबल को भी ध्यान में रखना है कौन कौन से है। तो प्लांट डिजीज, सिट्रस, कैंकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा है रस्ट ऑफ वीट, ये फंजाई से होता है एंड एयर एंड सीड्स। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी का येलो वेन मोज़ेक वायरस से होता है। तो ये एक एक एग्जांपल है, इनके अदर्स भी कुछ डिजीज है, ये आपने कोर्स में इन तीन डिजीज, ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एग्जाम्पल दिया है कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस से कौन कौन सा, बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर, फंजाई से रस्ट ऑफ वीट, वायरस से येलो वेन मोज़ेक ऑफ, ये ध्यान में रखना। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, अब है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, फूड पॉइजनिंग भी माइक्रोब्स के कारण ही होती है, जब फूड को कॉन्टेमिनेट हो जाता है, फूड स्पॉइल हो जाते हैं और फूड में माइक्रोब्स में पड़कर वो क्या करते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उसके कारण हमें वोमिटिंग होती है। तो इसे पढ़ते हैं, ये एक एग्जांपल है, बुजो का एग्जांपल देके बताया है कि घर पे आने पे उसको वॉमिटिंग हुई और हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने कहा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। दैट फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, कि ऐसे फूड को खाने से, कंजम्पशन करने से जो खराब हो गया है, स्पॉइल्ड हो गया है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, उस फूड पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं उसके ऊपर और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीले पदार्थ। दिस मेक द फूड पॉइजनस, तो इससे फूड कैसा हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है और इससे सीरियस इलनेस हो जाती है और इवन डेथ भी। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो food को spoil होने से prevent किया जाए। Food को कैसे बचाएं? ये हमारा अगला topic है। Food preservation, food को किस प्रकार से preserve करें? तो कुछ method है, वो हम पढ़ते हैं।
प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं स्टोर फूड ग्रेन्स का, है ना। अब कुक्ड फूड को कैसे प्रिजर्व करें, है ना, और कुछ ब्रेड्स वगैरह बच जाती है उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि ब्रेड्स के ऊपर क्या लगेगा, फंगस। फंगस ज्यादातर ब्रेड्स वगैरह वो सब खराब हो जाते हैं फंगस के कारण। और स्पॉइल्ड फूड क्या करते हैं, इमिट्स बैड स्मेल। जब फूड खराब हो जाता है तब वो बैड स्मेल रिलीज करता है और उसका बैड टेस्ट भी हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये सब क्यों होता है, क्योंकि उनमें होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन करता है, उसमें पड़ा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पहले का एग्जांपल देते हुए कि कुछ मैंगो लाइज और मैंगोज वो क्या हो गए, स्पॉइल्ड हो गए और रोटन मतलब सड़ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर फूड प्रिजर्वेशन के चैप्टर कुछ मेथड है। पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या किया जाए, केमिकल में जैसे साल्ट एंड एडिबल ऑयल, ये ध्यान रखना, साल्ट नमक तो होता ही है और खाने का तेल। एडिबल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड इन चेकअप। देखा होगा घर में जब अचार वगैरह बनाते हैं तो क्या डालते हैं, खाने का तेल ही डालते हैं, पूरा ढक देते हैं तो एडिबल ऑयल पूरा भरा हुआ होता है तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं ग्रोथ करते। Therefore, they are called preservatives. इसलिए हमको preservatives कहते हैं। Preservatives क्या है? Salt and edible oil. We add salt and acid preservative to pickles. अचार वगैरह में salt and acid preservatives डालते हैं to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate. दो नाम याद रखना। Sodium benzoate and sodium metabisulfate, ये common preservatives हैं। These are also used in jam, sauce to check their. तो दो अभी नाम बताएं आपको, sodium benzoate and sodium metabisulfate, ये common preservatives हैं जो डाले जाते हैं। बाकी salt and edible oil इनको preservatives ही कहते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, जो हमारे घर में पाए जाने कॉमन साल्ट है उससे किस प्रकार प्रिजर्वेशन करते हैं, तो ये प्रिजर्व करता है मीट को एंड फिश फॉर मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट, नमक से उनको कवर कर दिया जाता है मीट और फिश को, तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। साल्ट को और आमला एंड रॉ मैंगो एंड टर्मरिंग्स को भी प्रिजर्व करने में यूज देते हैं। प्रिजर्वेशन बाय सुगर, सुगर से भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे जैम जेली एंड सॉस वगैरह बनाते हैं सुगर से। सुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विद फूड। ऑयल एंड विनेगर डालकर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑयल एंड विनेगर वो भी क्या करते हैं, पिकल्स को खराब होने से बचाते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। जब इस प्रकार का एनवायरनमेंट हो, ऑयल और विनेगर डाला हुआ, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते हैं। वेजिटेबल फ्रूट फिश मीट ये भी प्रिजर्व किए जाते हैं इसी तरह से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब हम मिल्क गर्म बॉईल करते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं, तो बॉईल करने से क्या होता है, बॉईल करने से बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म उससे मर जाते हैं बॉईल करने से। और इसके अलावा सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम अपना खाना रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं जहां पे लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर होने से माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करते। अब यहाँ एक वर्ड आया है पाश्चराइजेशन, ये ध्यान में रखना, व्हाट इज द पाश्चराइजेशन, इसका मेथड भी ध्यान में रखना है कि पाश्चराइजेशन क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि पाश्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। अब पहले तो हमने बात की कि बॉइल करने से माइक्रोब्स मरते हैं, अब यहाँ पे पाश्चराइजेशन में बॉइलिंग नहीं करनी है। विदाउट बॉइलिंग किस प्रकार से मिल्क को प्रिजर्व किया जाए,
एक प्रोसेस है कि जिसे माइक्रोब्स इसमें नहीं पड़े। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड करना, गर्म करना है 70 डिग्री। बॉइलिंग कहाँ होती है? बॉइलिंग 100 डिग्री पर होता है, यानी 70 डिग्री उससे कम है। 70 डिग्री तक उसको हीट करना है, फिर 15 टू 30 सेकंड तक उसको हीट करना है, एंड देन सडनली चिल, और उसके बाद अचानक से उसको ठंडा करना, तुरंत ही उसको ठंडा करना है और चिल करके स्टोव करना है। ये एक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस को दोबारा समझ लें कि क्या है, कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है 15 टू 30 सेकेंड, और उसके बाद में सडनली उसको चिल्ड करना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पाश्चराइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पाश्चराइजेशन। और इसका इसकी डिस्कवर किसने की थी इस प्रोसेस को? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने इस मेथड को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं पाश्चराइजेशन। ये मेथड रखने योग्य है। अगला है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग ऐसे करो क्योंकि इसमें सील्ड एयर डालो, टाइट पैकेट बनाओ जिसमें एयर सील्ड हो, तो वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ, आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम है? राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। और ये किसमें पाया जाता है? लेग्यूमिनेसस प्लांट, यानी पल्सेस, दालें वगैरह होती है ना उसमें। लेग्यूमिनेस प्लांट मतलब फली वाले होते हैं जिसमें फलियां लगती है, उनकी रूट्स है उसमें ये राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम रहता है। और वो कुछ प्लांट्स हैं जैसे बीन्स, पीस, विथ विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वहां पे वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उनकी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स है वो उनको रहने के लिए शेल्टर दे देती है राइजोबियम को, रहने की जगह, और ये राइजोबियम उनको क्या दे देता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दे देता है। तो समटाइम नाइट्रोजन गैस फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। और कभी कभी नाइट्रोजन कैसे फिक्स्ड होती है? लाइटनिंग से, द्वारा बिजली चमकती है उससे। But you know that the amount of nitrogen in the oxygen remain constant. लेकिन ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. स्थिर रहती है एटमोसफियर की नाइट्रोजन, स्थिर रहती है। जब इतने नाइट्रोजन, इतने बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, लाइटनिंग होती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्स होती है, फिर भी एटमोसफियर की नाइट्रोजन क्या कहती रहती है? कॉन्स्टेंट, स्थिर। यहाँ कुछ, यहाँ एक फिगर है इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट बताई गई है, रूट नोड्यूल्स है इसमें वो राइजोबियम रहता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो ये हम समझते हैं ये कैसा साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। इसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम को ही समझ लेते हैं। ये डायग्राम क्या कहता है? यहाँ पे एटमोसफियर नाइट्रोजन है, एटमोसफियर वाले नाइट्रोजन, ये दो प्रोसेस के द्वारा फिक्स होती है। सबसे एक तो है लाइटनिंग, लाइटनिंग के द्वारा सीधा वो कंपाउंड्स में बदल जाती है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल, मिट्टी में कुछ कंपाउंड में कन्वर्ट होकर वो सोयल में आ जाती है। दूसरा प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमोसफियर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। और बैक्टीरिया क्या करता है? टर्न फिक्स नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड में उसको बदल देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटमोसफियर की नाइट्रोजन सोयल में दो टाइप से आती है, टू वेज से आती है सॉरी। फर्स्ट वेज तो लाइटनिंग है और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। फिर वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैसे जाती है? तो इसका एक प्रोसेस है, तो सीधा बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस गैसियस नाइट्रोजन। बैक्टीरिया जब वो
प्लांट्स डेड एंड डिके हो रहे होते हैं, तो उस समय वो बैक्टीरिया उस कंपाउंड्स की जो नाइट्रोजन है उसको गैसीय फॉर्म में सीधा ही एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। और दूसरा अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स में ले लेते हैं और प्लांट्स को फिर डेथ होने के बाद में वो वापस से नाइट्रोजन वेस्ट को डेथ होने के बाद में वो सोइल में मिट जाता मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये वो नाइट्रोजन साइकिल है जिसके अंदर दो प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लाइटनिंग के द्वारा एंड बैक्टीरिया के द्वारा, और फिर वापस इन बैक्टीरिया द्वारा इसको टर्न कर दिया जाता है नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन। हम पढ़ते हैं 78% नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन का सबसे यूजफुल क्या है, ये पार्ट ऑफ प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, इसका पार्ट है नाइट्रोजन। प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन की जरूरत है, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में एंड विटामिन्स में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधा डायरेक्टली नहीं ले सकते प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो कैसे ले पाएंगे वो, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सोइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी ध्यान रखना। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम पहले ही बताया गया है, राइजोबियम है, वो इनको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, और वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स को यूटिलाइज कर लिया जाता है किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा सोइल से इनके रूट सिस्टम में से। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, नाइट्रोजन फिर वो प्लांट्स नाइट्रोजन लेके क्या करते हैं उसका, उससे प्लांट का प्रोटीन बनाते हैं एंड अदर कंपाउंड्स बनाते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन, अब ये प्रोटीन जो प्लांट्स ने बनाया है ये एनिमल्स जब प्लांट्स को खाते हैं उनको फीड करते हैं तो ये एनिमल्स को भी मिल जाते हैं और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई होते हैं मर जाते हैं तब बैक्टीरिया एंड फंजाई जो सोइल में है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं और वो प्लांट्स के लिए वापस दोबारा यूज आ जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस के रूप में और वो गैस वापस गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर, वापस एटमॉस्फेयर को चली जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं दूसरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, दूसरे वीडियो में बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई कमेंट्स हो तो वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।